हाय दोस्तों, दिल से नमस्कार प्रणाम। आप लोग कैसे हैं? मैं फ़िलहाल अपने चाय की दुकान पे, एक छोटी सा प्यारी सा चाय की दुकान है वहाँ पे मैं बैठी हूँ। और यूट्यूब पे दोस्तों आने का दिल नहीं करता है, क्योंकि एक तो कचड़ा हो गया है, देखने के भी दिल नहीं करता है। आने के तो बाद छोड़ दीजिए, देखने के भी दिल नहीं करता है, यूट्यूब खोलने का दिल नहीं करता है दोस्तों। जहाँ तक से हम लोग के नहीं बोलना चाहिए, लेकिन बर्दाश्त भी नहीं होता है, क्योंकि एक नारी अगर एक नारी के लिए कुछ नहीं कहेगी तो फिर हमको लगता है कि फिर हम लोग के नारी होना ही बेकार है। तुम गोरखपुरिया, तुम गोरखपुर के नाम पे अकलंक हो, तुमको चुरुआ पर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। मालती चौहान के मरने के कारण तू ही है। एक पति पत्नी के झगड़ा होता है ना, अच्छे इंसान जाकर दोनों को समझा देता है। अरे ये कहाँ के कानून है? हमारा हिंदुस्तान के कानून है? चार बच्चे के माँ भाग के पाकिस्तान से चली आती है, हिंदुस्तान के मर्द एक रख लेता है, एक ससुर बहु बना के रखता है, एक सास बहु बना के रखती है, एक ननद भौजाई बना के रखती है, एक देवर भौजाई बना के रखता है। आइए, एक मालती चौहान से मिस्टेक हो गया, थोड़ा सा गलती हो गया, बात करने लगी। क्या प्यार मोहब्बत था वो तो मुझे पता नहीं है, हो भी सकता है, चलिए हो भी सकता है। तो क्या हो गया? बहुत बड़ा अपराध हो गया क्या? उसका जीने के कोई हक नहीं था क्या? हिंदुस्तान में रहने का हक नहीं था? अरे कैसा तुम लोग घटिया इंसान हो, जो कभी विष्णु चौहान के चढ़ाए, तो कभी अर्जुन वर्मा के चढ़ाए, तो कभी अर्जुन वर्मा के बीवी के चढ़ाए, और मालती चौहान के चप्पल से मारेंगे तो तुमको हम मोटकी भैंसिया कहती हो? तुमको शर्म नहीं आता है? एक दिन तुम ही अपने घर पर रखती हो मालती चौहान को, और तुम ही खुद को सिखाती हो कि मेरे साथ में चलो थाना कोर्ट पुलिस करो, अपना पति को जेल में डाल दो। और जब पति आता है, पति कुछ सच्चाई बताता है, तो फिर तुम शादी तेरे ही करावा लो, तू ही करवाती है मालती चौहान के शादी अबीर से कराती है। फिर लास्ट में क्या गुमराह करती है पब्लिकों को, कि अगर ये शादी माना जाएगा तो हीरो हीरोइन को रोज शादी होता है, तो क्या वो उसके साथ चले जाते? तेरे को शर्म आना चाहिए। भगवान के पास कसम खिलवाती है, सब कुछ तू ही करवाती है, मालूम शादी कराना तेरी है और मालती चौहान के भगाना तेरी है, एक रूम में रखना तेरी है, सब तेरी चाल है और उसको मारना तेरी चाल है। पता है क्यों? एक बात तू बोली थी कि अर्जुन वर्मा के बीवी से झूठो के, इसका बीवी के कुछ हो जाएगा मालती चौहान तो तुम जिम्मेवार हो। अरे रंडी, उस समय तुम क्यों नहीं बोली हो कि आज तुम मालती के लेके जा रहे हो अर्जुन वर्मा, विष्णु के घर उजारता है, तुम जिम्मेवार हो? तब तुमको औरत हम जानते, तू पब्लिक गुमराह करती है, तू सामने मिले तो तेरे का चप्पल उठा के मारना। मालूम हमारा ऐसा दिल बोलता है, हमको लाइक नहीं देना, सब्सक्राइब नहीं करना, मेरे को नहीं चाहिए, एक औरत होने के नाते बोल रहे हैं। गलती सब करता है, गलती के माफी एक प्रायचित होता है कोई माई के लाल? सब गलती करता है पर्दे पीछे, वो लेडीज भी गलती किया, चलो मैं मानती हूँ किया मालती गलती, अपनी गलती को स्वीकार किया, ये सबसे बड़ी बात है, गलती को स्वीकार किया। हर एक वीडियो में बोली है कि माफ़ कर दो, मैंने गलती की हूँ, मैं अर्जुन से प्यार भी की हूँ, मैं पहले ही प्रपोज की हूँ, सब कुछ बेचारी बोली है, उसको जीने के हक नहीं है? अगर उन्हें विष्णु राज के पास जाना भी चाहती थी, तू जाने के लिए मना करती थी, विष्णु राज को चढ़ाती थी, और जब विष्णु राज के पास नहीं जाना चाहती थी तो तू कहती थी कि उसको घर जाओ। और अर्जुन वर्मा को बीबी से पुकार रही थी कि मालती जिम्मेवार है। अच्छा ये बताओ कि अर्जुन वर्मा अपना बीबी से पूछ के मोहब्बत किया था मालती चौहान से? अपने बीबी से पूछ के मोहब्बत किया था जो विष्णु राज से उन्हें पूछ के करेगी? वाह रे वाह, बहुत अच्छा सिला दिया तू एक आदमी के जान से मार के। तेरे जैसा घटिया इंसान ना, तेरे को तो बस ये पृथ्वी पर मिल गया है शरण में जाएगी, ऊपर जाएगी ना तो तेरे के शरण नहीं मिलेगा, तेरे के भगवान भी जल्दी नहीं बुला रहा है। उस जगह पर तेरे के मौत होना था, और सुनेगी, तेरे के मौत होना था,
तू मरेगी तो कोई रोएगा नहीं, लौड़े लासू नहीं रोएगा। लेकिन मालती चौहान कैसा थी ना, मर गई अपनी गलती के बेचारी, माफी मांगा 50 बार। अरे गलती बहुत लोग करते हैं लेकिन माफी उसकी प्रायश्चित होता है। उन्हें माफ करने के लिए 50 बार विष्णुराज से बोली है, अब पब्लिक से भी बोली है। तब तेरी आंखें फूट गई थी, तब तू नहीं देखा, नहीं देखी। उसकी मौत के कारण तुम है, तुम है, तुमको भोगना पड़ेगा इसी पृथ्वी पर, भोग करके जाना पड़ेगा। सारे हिंदुस्तान तुझे देखेगा। आए हमारा रवि किशन जी, इतने बड़े सांसद हमारे गोरखपुर के, आपको नहीं लगता है रवि किशन जी ये चुतिया बनाती है? हा? इसके पास घर नहीं है, सुनिए, इसके पास घर नहीं है। ये भी चाहती है कि मालती चौहान विष्णु राज के घर ढह जाए जीसीबी से। मालती चौहान के तो मार डाल दिया विष्णु के चढ़वा के, अब चाहती है कि विष्णु राज के भी फांसी हो जाए। ये इतना घटिया इसकी सोच है। जो भी लेडीज कहती है, अभी सुषमा दीदी कह रही है, सुषमा दीदी के गोड़ के धुवन में तू मिलेगी है? सुषमा दीदी एक टूटते हुए धागे के जोड़ती है, एक टूटते हुए रिश्ते के बचाती है, मियां बीवी को जो घर उजड़ता है उसको लेके बचाती है। तू उसको उल्टा सीधा बोल रही है, सुषमा जी के गंदी जबान से अपनी नाम लेती है, तेरे को शर्म आना चाहिए। सुषमा दीदी क्या चीज है वो पहले समझ, तेरे को शर्म आना चाहिए। अभी से ज्यादा नहीं बोलेंगे क्योंकि मेरे पास कस्टमर है, दिल से नमस्कार, जो भी भूल चुक हो जाएगा मैं माफ़ी चाहती हूँ। एक लेडीज़ के हक के लिए मैंने इतने बात बोली हूँ, ठीक है? लेकिन गोरखपुरिया को जीने के हक नहीं है, मालती की जगह पर इसको मर जाना चाहिए। इसकी अगर मर भी गई तो कोई रोने वाला नहीं है। हम लड्डू बांट देंगे, एक कुंटल लड्डू बांट देंगे।